आज भारत के मीडिया में, राजनीति में, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्वराज को लेकर बहुत शानदार बहस चल रही है। स्वराज क्या है, इसका हमारे लिए क्या महत्व है, यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। स्वराज का नारा और मंत्र लोकमान्य तिलक ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विदेशी गुलामी से देश को मुक्त कराने के लिए दिया था। उन्होंने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। इस नारे के कारण लोकमान्य को तो बरसों की जेल काटनी पड़ी। गांधी जी ने इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए, इसका अर्थ समझाते हुए हिंद स्वराज नाम की शानदार ऐतिहासिक किताब 1909 में लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वराज की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है। पहले हम अपने को अपने अधीन करें, अपनी आदतों पर काबू पाएं, अपने आसपास के लोगों को मर्यादा के साथ दोस्त बनाएं, अछूतोद्धार, सांप्रदायिक सद्भाव, निरक्षरता उन्मूलन, निर्धनता का चुनाव मुकाबला, अगर ये नहीं करेंगे तो विदेशी राज के जाने न जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1929-30 में नेताजी सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और किसान आंदोलन के दबाव में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया और रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का सपना देखा, जिसके बाद अगले 17 बरस लड़ाई जारी रही और 1947 को हम विदेशी राज के जुए को अपने कंधे से उठाकर फेंकने में कामयाब हुए। फिर 3 बरस हमने इस स्वराज को परिभाषित करने में लगाया और संविधान सभा ने बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी जैसे लोगों की मदद से स्वराज के मायने एक ऐसा समाज जिसमें न्याय हो, जिसमें गरिमा हो, जिसमें एकता हो और जिसमें इंसानी अधिकारों की गारंटी हो। आज स्वराज को 66 साल से हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वराज के 4 चेहरे हैं, सामाजिक स्वराज जिसमें धर्म, जाति और लिंग भेद से जुड़ी असमानताएं अगर जारी हैं तो वो स्वराज का अधूरापन है और वो जारी हैं। इसी तरह से आर्थिक स्वराज, जहां अगर मेहनत कश को पूरा दाम न मिले, व्यापारी को मुनाफे के साथ मर्यादा का व्यापार करने का अवसर न मिले, उद्योगपति को अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार देश की जरूरतों के हिसाब से कारखाने और बाजार में ठीक अवसर न मिले और काम करने वालों को अपनी प्रतिभा के अनुसार रोजगार और रोजगार में तरक्की न मिले, तो फिर ये आर्थिक स्वराज नहीं होगा। क्या आर्थिक स्वराज है? नहीं, काले धन का राज है, भ्रष्टाचार का राज है, आर्थिक स्वराज अधूरा है। फिर राजनीतिक स्वराज, जिसमें हम कुल मिलाकर के 1 वोट 5 साल में देने के अधिकार के आगे बढ़ नहीं पाए हैं। हमें प्रतिनिधि वापसी का अधिकार चाहिए, हमें राजनीतिक दलों के बारे में सूचना का अधिकार चाहिए, हमें अपनी सरकार के साथ साझेदारी यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहिए। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नीचे नहीं उतर पाए हैं, हमें जिला सरकार, मोहल्ला सरकार और पंचायत सरकार चाहिए। इस माने में राजनीतिक स्वराज अभी भी अधूरा है। और फिर व्यक्तिगत स्वराज, जिसमें हम दूसरों को देख करके, मीडिया के विज्ञापन के जरिए और भोगवाद के दबाव में अपने को ही भूल रहे हैं और हम मनुष्य के नाते जो मर्यादाएं हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर भी अपना नियंत्रण चाहिए, अपनी लालच पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपने क्रोध पर और अपने अंदर दूसरों से घृणा और दूसरों से जलन पर। मित्रों, स्वराज का अर्थ आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक स्वराज है। इसको पूरा करने में आज हम असफल हैं, क्योंकि दलों में सत्ता की होड़ लगी है, समाज के निर्माण का काम हमने किन्हीं और पर छोड़ रखा है, वह भी नेता ही बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर के आज समाज में स्वराज रचना के लिए नागरिक अकेला है, खास तौर पर जिनको स्वराज चाहिए, जैसे महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, गांव के लोग, बेरोजगार नौजवान, निरक्षर जनशक्ति, इन सब की स्वराज की चिंता कौन करेगा। स्वराज अभियान इसी अधूरेपन के खिलाफ नागरिकों की बगावत है, नागरिकों का हस्तक्षेप है, नागरिकों की एकता और सक्रियता है। आइए स्वराज के अधूरे सपने को पूरा करके भारत के एक गाल पर आंसू और एक गाल पर खुशी के इस मौजूदा
बुरी परिस्थिति को बदले और एक हंसता हुआ भारत, इसमें सभी को न्याय मिले, सभी को मर्यादा मिले और सभी को सुख और शांति मिले, उसको बनाने के लिए स्वराज अभियान से जुड़े।